आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर गायत्री ब्लॉग में। तो मम्मी अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आप मुझे देख रहे हो तो मैं रेडी हूँ। मतलब मैंने साड़ी पहन रखी है, मतलब मेकअप थोड़ा सा मेकअप भी किया है। तो हम जा रहे हैं बाजार क्योंकि अब आपको पता है दिवाली आने वाली है और दिया का बर्थडे भी आने वाला है। तो मैं बच्चों के कपड़े लेने जाना है तो मैंने खूब सर्च किया अमेज़ॉन मीशो फ्लिपकार्ट पर, मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो एक बार बाज़ार भी हो आते हैं तो फिर देखेंगे, अगर बाज़ार में मिल जाते तो बाज़ार से ले आएंगे, नहीं तो यहाँ से। तो चलिए फिर चलती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, अभी 3:30 बज गए हैं और हमारा खाना पीना बर्तन सब हो गया है, बच्चे भी रेडी हो गए हैं और मैं भी हो गई हूँ। तो चलिए अब चलते हैं बाज़ार। देखिए सब रेडी हो गए हैं और सब जा रहे हैं बाजार। तो ये देखिए, तो हमने जैसा कि आपको पता ही है कि वायरस चल रहा है तो मास्क तो बच्चे मतलब लगाते नहीं हैं, निकाल देते हैं। और मैंने भी मतलब मास्क नहीं लगाया, मतलब इससे पूरा कवर हो जाता है। तो बच्चों को भी मैंने मतलब टॉवल बांध दी है अनु के, जो मतलब आती है सूती। और मैंने भी अपना मतलब फेस कवर कर लिया है दिया ने। तो अब हम जा रहे हैं और दिया के पापा भी आ रहे हैं, मतलब गेट ताला लगा के तो हम आगे निकल रहे हैं तो वो आ रहे हैं पीछे पीछे, तो ताला लगा दिया है। तो ये हमारी मतलब जो मतलब घर है जो उसकी यही मतलब गली है, इसके थोड़ा चलने के बाद ही ये रोड आ जाती है। और ये मेन रोड है जो मतलब राजस्थान का आखिरी बॉर्डर है ना, उस मतलब उस वहाँ है। तो ये मतलब कोटा मतलब राजस्थान और एमपी दोनों को जोड़ती है। तो इस रोड से मतलब जाते हैं तो राजस्थान मतलब पहुँच जाते हैं। और इस तरफ मतलब बाईं तरफ जाते हैं तो राजस्थान पहुंच जाते हैं, बाईं तरफ जाते हैं तो एमपी के मतलब ग्वालियर आगे हो जाते हैं। तो हमने ऑटो ले लिया है तो हम बैठ गए हैं। और ये देखिए ऑटो में बैठने के बाद तो मतलब इधर मैंने कहा था ना उधर पीछे की तरफ जाते हैं तो वो कोटा राजस्थान की मतलब रोड है और ये सामने है। तो ये बाजार ये आने वाला है तो मतलब हम जहाँ रहते हैं वो मतलब गांव कहलाता है। तो ये जो आप पुल लेन देख रहे हो ना, मतलब ये नहर है उसमें पानी भरा है। तो ये मतलब गांव और श्योपुर को जोड़ती है। तो नहर निकलने के बाद श्योपुर आ जाता है और नहर के उस पार मतलब जहाँ हम रहते हैं वो गांव है। तो ये आ गया है श्योपुर। और मतलब बाजार इतना बड़ा नहीं है कि मतलब हाँ है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है। जो ज़रूरत की जो मतलब सामान होता है वो सब मिल जाता है। तो हम मतलब निकल आए हैं और बीच मतलब श्योपुर में पहुंच चुके हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मतलब श्योपुर में आने के बाद थोड़ा आगे चलने के बाद कॉलेज है, फिर उससे आगे चलने के बाद थाना भी है। तो आपको ये जो पुलिस बूथ का मतलब वो लगा है बूथ, वो उसके बाद इधर बाजार आ जाता है और उस तरफ मतलब ग्वालियर जाते हैं, वहाँ बस स्टैंड है, बस मिलती हैं। तो ये आ गए बाजार। तो ये बाजार आने के बाद हमें जो मतलब उसी से जो कहते ना है कि बाजार में आते हैं तो कोई एक दुकान वाला होता है जिससे हर सामान मतलब लेते हैं, जैसे कपड़े लेने वाले होते हैं तो उससे कपड़े लिए जाते हैं। तो यही वही दुकान है।
तो पर यहाँ आकर क्या हुआ कि वो कहते ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना, तो ये दुकान वाले भैया कह रहे हैं कि आपको अभी तो नहीं मिल पाएगा आपको नया मतलब सामान, क्योंकि वो अंकल है ना वो माल भरने गए हैं बाहर, तो आप 4-5 दिन बाद आओगे जब भी आपको मतलब दिखेगा। तो भाई ये ना कि घर से मतलब रेडी होके आए सब काम करके, और हाँ जो काम करना तो वो हो ही नहीं पाया। और मैं ऐसे मतलब बाज़ार नहीं आती कभी महीने साल 6 महीने में, मतलब एक बार आती हूँ कोई ज़्यादा ज़रूरी काम हो, क्योंकि सारा सामान जो मैंने आपको दिखाया था तो मेन रोड है ना, तो उसके मतलब वहाँ ही दुकान मिल जाता है। कोई ज़्यादा ही ज़रूरी सामान देखना हो तो ही बाज़ार आते हैं। तो आपने देखी तो जैसे ही उल्टे मतलब जैसे सीधे पैर आए थे वैसे ही उल्टे पैर हमको जाना पड़ा। और फिर आपको बताया बच्चे और साथ में और माहौल भी ऐसा है, तो फिर मतलब इधर उधर घूमना भी वो नहीं लगता, जो काम करने आए थे वो काम नहीं हुआ। तो फिर चलिए घर जाके आपसे मिलती हूँ। ये देखिए तैयारी हो गई है, बाजार गए थे कुछ भी नहीं हुआ जैसे गए थे वैसे ही आ गए हैं। ये देखिए जूते सब जो चीज आ रखी थी वहां बन के सब उतार के रखेंगे, कि आपको तो पता ही है मतलब रोज जैसे रहते हैं वैसे तो कोई नहीं पहनता, पर कहीं जाते हैं तो पहन लेते हैं। तो ये देखिए जैसे गए थे तैयार होके वैसे ही आ गए, क्योंकि कुछ भी काम नहीं हुआ। दोस्तों तो हम आ गए हैं, जैसे मैंने बोला था बाजार गए हैं और ले मतलब आ भी गए हैं, तो अब भी जस्ट आए हैं मतलब 1 मिनट हुआ होगा आए हुए। और आप जो मेकअप मतलब जो करके गए थे सब वैसे हो गया, क्योंकि वहाँ दुकान पे गए और जैसे ही गए वहाँ जाके पता चला कि वहाँ माल ही नहीं है, मतलब आया ही नहीं है माल, वो भरने गए थे। तो पता नहीं अगले हफ्ते या आएगा मम्मी अगले हफ्ते तक, हाँ तो नया माल ना नया स्टॉक नहीं था दुकान पे, तो नया स्टॉक ख़त्म हो गया, तो पुराने कपड़े थे तो क्या देखते फिर। तो मैंने जैसा कहा ना मैं अमेजोन पे देख देख कर, मीशो पे देख, फ्लिपकार्ट पे देख, तो मतलब उस पर देखा तो और उस पर फर्स्ट क्राई पर देखा तो उसमें तो प्राइस इतने सारे ज़्यादा मतलब थे, और फिर भी इतने अच्छे नहीं थे, अच्छे होने चाहिए तब भी वो हो जाता है। तो मैं कितने मतलब 8 दिन हो गए हमें सर्च करते करते कपड़े पर, कपड़े डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा कपड़ा मतलब लेने चाहिए बच्चों के लिए। तो अनु का तो एक आधा मतलब सेट आ भी गया दिया के समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा क्या लें, मतलब कुर्ती लहंगा चोली लें या फिर ड्रेस फ्रॉक ड्रेस लें, तो मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या लें। तो हम जाके मन के इसमें तो समझ में नहीं आ रहा, चलो आज बाज़ार जाके ही देख ले। तो हमने कल डिसाइड किया था कि कल जाएंगे, तो कल फिर अब देर हो गई क्योंकि लाइट जा रही थी सुबह बार बार, तो पानी नहीं भर पाया था हमारा, तो पानी नहीं भरा फिर आपको बताइए फिर लेट ना लाए ना आया, तो फिर जाना नहीं हुआ बाज़ार। तो आज गए बाज़ार और आज गए तो ये देखिए, तो ये साड़ी पहनना सब वो हो गया, आपको दिखाती हूँ अपनी साड़ी ये देखिए। और ये चूड़ी पहनी है मैंने मतलब कंगन पहने हैं, मेरे करवा चौथ के कंगन है पिछले करवा चौथ के। और ये साड़ी भी मेरे पहले या दूसरे मतलब दूसरे या तीसरे करवा चौथ की है, ध्यान नहीं है इतना, पर उसकी साड़ी है। इस पे ये बटरफ्लाई का डिज़ाइन बना हुआ है, अच्छी लगती है, और कलर आपको दिख ही रहा है। तो मैंने नहीं दिखाई मतलब आपको कलेक्शन दिखाने वाली थी, फिर मेरा मन नहीं हुआ मतलब थक ये देखिए। तो फिर मैंने कौन खोले कौन बंद करे तो फिर मैंने दिखाई नहीं है उसका। ये देखिए बटरफ्लाई ये बनी हुई है सारी उसके साड़ियों पर, बटरफ्लाई का डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये हो गया, तो अब मैं उतारूंगी कपड़े मतलब कपड़े चेंज करूँगी इनके भी बच्चों के भी, देखो उतारती हूँ ये नहीं मम्मी तो चलिए फिर शाम का भी मतलब टाइम हो गया अभी,
4:30 बजने वाले हैं, 3:30 बजे बोला था मैंने जब गए थे, तो अभी 4:30 बजने वाले हैं। तो अभी थोड़ा कपड़े चेंज करेंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे। आने जाने में ही थक जाते हैं। तो चलिए फिर मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। थोड़ा रेस्ट करने के बाद तो इनके तो कपड़े उतर गए हैं। हदी आई दिया बाहर घुमाए ना बच्चे, तो ऐसा लगता है जब सोने वाले, नींद आ रही है जाते नहीं ना, वैसे भी नहीं गए तो वो थे ही नहीं अंकल जी दुकान पे, जो मतलब थी जिनकी दुकान, उनसे ही कपड़े लेते हैं बाजार में, मतलब जो जानती है पहचानती दुकान होती है ना, आपको भी पता ही है कस्टमर बन जाता है। तो वो थे नहीं, वो माल भरने गए हैं, तो उनसे पूछा, मतलब उनके जो दुकान पे थे हेल्पर, तो वो अभी नहीं है, वो आएंगे मतलब 2-4 दिन बाद नया माल आएगा। अब 2-4 दिन तो एक हफ्ते, उन्होंने कहा अगले हफ्ते आना, और अगले हफ्ते आपको पता है मतलब अगले हफ्ते नहीं, दिया का बर्थडे भी आने वाला है अब 17 अक्टूबर को, तो इसीलिए कपड़े देख रहे थे, तो मतलब देख देख के समझ में ही नहीं आ रहा था उसमें कपड़े, तो अब बाज़ार गए तो बाज़ार में भी कुछ नहीं हुआ। तो अब देखो अगले हफ्ते जाएंगे, जब आ जाएगा मतलब इसके बर्थडे से पहले पहले जाएंगे, लेके आएंगे कपड़े। तो मैंने कुछ मतलब मीशो से ऑर्डर किया है, उनके एक ड्रेस आ गई, और कुछ मतलब हेयर क्लिप मंगाई है, और कुछ मतलब मैट लिपस्टिक तो वो आई नहीं है, ऑर्डर किया है, वो बुक आ जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत सारी बातें हो गई, मैं मतलब पानी आनी पी लेती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, और थोड़े आराम करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, चाय आय बनाऊँगी जब। चलिए चलिए। तो ये देखिए हन्नु की ड्रेस, तो मतलब मैंने सोचा कि अभी तो पहनाना नहीं है, फिर उसको एक ही बार, तो मतलब हमने 1 साल थोड़ी बड़ी मंगा ली, तो ये थोड़ी बड़ी ही है, तो ये मीशो से ऑर्डर करी है, और ये ज़्यादा इसका प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो मतलब ये ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ कि ड्रेस अच्छी लगी, मतलब हम जो मिली जैसी देखी ना वैसी मिली, और कपड़ा भी अच्छा है इसका, मतलब दोनों तरफ अस्तर लगा हुआ है मोटा, और ये इसका चूड़ीदार मतलब जो पजामा है शेरवानी है, ये तो हन्नु का तो आ गया पर दिया का नहीं आया, तो आज आपको पता है गए थे तो कुछ नहीं हुआ। हेलो एवरीवन, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और अभी आपको दिखाए मैंने जो मैंने मीशो से मंगाया है मतलब हन्नु के लिए, तो 1 से 2 साल तक का, मतलब 2 साल का होने वाला, पर मैंने 2 से 3 का, क्योंकि वो अगले महीने उसका बर्थडे आने वाला है, तो फिर हो जाएगा, तो मैं भी थोड़ा बड़ा मंगाऊँ। तो आज ये हो गया कि खाया पिया कुछ नहीं, और कोई लास्ट बारह ना मतलब काम करके तैयार होके गए थे बाज़ार कपड़े लेने, पर बाज़ार में माल ही नहीं, मतलब स्टॉक ही नहीं आया नया, तो हो गया ना खाया पिया गया थोड़ा बार। तो भी मिलती हूँ वापसी में, करूँगी थोड़ा देर, मतलब ले लूँगी 15-20 मिनट आधा घंटा।